अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं तस्लीम शरीफ और कारवा जायके का में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली ड्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और जैसे कि आजकल फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, वो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए मैं आजकल वेज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पे एक मैंने बड़े साइज़ के कैप्सिकम लिए, जिसको स्क्वायर पीसेस में काटा है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसके मैंने लेयर्स निकाल लिए हैं। और यहाँ पे 3 से 4 मैंने स्लिट की हुई हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन लिया है, और 2 से 3 मैंने यहाँ पे रेड बेल पेपर लिया है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो एक्चुअली मेरे बालकनी में लगा हुआ था, तो मैंने तोड़ लिए और ये बड़े नहीं हो पाए हैं। बेचारे ऐसा लगता है कि बस बचपन में ही बूढ़े हो गए। खैर, जो भी हो, तो वो तो मेरे काम आ ही गए, तो मैंने इनको निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके रखा है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमें इसको कितना डालना है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पनीर को एक बॉल में ले लिया है, और उसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और मिर्च आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च डाला है। और ये सब डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब जो फ्लोर है और मसाला वगैरह जो है, वो पनीर पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर ज़रूरी हो तो आप इसमें 1 या 2 टीस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, और जैसे ही तेल गर्म हो गया, तो हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया। और उसके बाद में हम 1-1 पीस करके इसको पनीर को तेल में डाल देंगे, और उसको अच्छी तरह से हमको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है हमको। और इसको हमें पनीर को कम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, क्रंची होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे फ्राई होकर। और यहाँ पे देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। और फ्राई होने के बाद में आप देख सकते हैं कि इनकी साइज़ जो है वो बढ़ गई है, यानी कि थोड़े से फूल गए हैं, फ्लफ़ी हो गए हैं। तो आप पहले से ही इनके जो पीसेज हैं थोड़े से छोटे काटे, क्योंकि बाद में अपने आप ही फूल के बड़े हो जाते हैं। चलिए, अब मैंने वो जो कढ़ाई है, मैंने सेम कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल यानी 1/2 कप मैंने इसमें तेल डाला है। और उसमें अब मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून भर के, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन डाला है। और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक बारीक चॉप किया हुआ, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे अदरक और लहसुन को। और अदरक लहसुन कोई भी चाइनीज़ डिशेस होती हैं, उसका जो ख़ास इंग्रेडिएंट होता है वो अदरक और लहसुन ही होता है। और इसमें हम डालेंगे अब 1 टेबल स्पून भर के बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैं तो मिक्सर के जार में डाल के उसको हल्का सा घुमा लेती हूँ, तो इस तरह से अच्छी तरह से क्रश हो जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसालों को हम कच्चापन ख़त्म होने तक भून लेंगे। देखिए, मसाला हमारा भून चुका है, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कैप्सिकम डाला है, लाल वाली मिर्च मैंने डाली है, इसके बीज मैंने सारे निकाल दिए हैं, और प्याज डाला है मैंने इसमें लेयर जो मैंने करके रखे थे, हरी मिर्चें भी डाल दी है। और सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और गैस की फ्लेम को अब हमें हाई कर लेना है, और हाई फ्लेम पर ही हमें इसको सब्जियों को फ्राई करना है। हमें इसको सिर्फ क्रंची ही करना है, हमें इसको गलाना नहीं है। अगर हम इसको स्लो पे पकाएंगे तो ये गल जाएंगी। तो चाइनीज़ में जो भी सब्ज़ियाँ डालती हैं, कभी भी इसको क्रंची किया जाता है, उसको पकाया नहीं जाता है। चाइनीज़ में हमेशा जो है हाई फ्लेम पे ही कुछ भी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने इसमें विनेगर डाला है। और ये डाल के हम अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे, पकाएंगे। इसमें अब मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, तो सॉरी, शेजवान सॉस डाला है। तो शेजवान सॉस डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप उसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। और उसको अच्छे से भूनने के बाद में मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को 1/2 कप पानी में मैंने मिक्स कर लिया था।
तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी में आप जो है कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं। और जो हमारी सब्ज़ी या मसाला है उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें कि आपको कितना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं डालती हूँ तो बाद में ये फिर ड्राई हो जाता है। अब वैसे भी हम ड्राई ही बनाने वाले हैं, लेकिन सब्ज़ियों पे कोट होना भी ज़रूरी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है फ्राई किया हुआ पनीर, और मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। आप अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सॉस वगैरह होते हैं सब में ऑलरेडी नमक होता है। और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई है, तो मैंने जितना भी बनाया था यानी 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी में घोल के रखा था, तो मैंने सारा ही डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरह से हो गई है, सब चीज़ पे अच्छे से मसाला कोट हो चुका है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप, तो इससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून शुगर भी डाल सकते हैं। और अब यह हमारा जो है पनीर चिल्ली बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको गरम गरम ही सर्व करिए तो ये जो पनीर के पीसेस है एकदम क्रंची लगेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बाद में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने डाला है, इसको गार्निश किया है स्प्रिंग अनियन से। आप चाहें तो इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।